नमस्कार। आज फिर से आप सभी के बीच में हम समस्या समाधान का एक नया एपिसोड लेकर आए हैं और हर रोज आपके प्रश्न और एनडीएस के समाधान रखते जाएंगे और आपकी सारी क्वेरीज, आपके सारे प्रश्न, उनके समाधान करने के लिए हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो कल हमने प्रश्न देखा था कि पुरानी भोजन प्रथा, नई भोजन प्रथा में क्या अंतर है, वो सब बातें जो हैं वो डिस्कस की। आज हम नया प्रश्न ये लेकर आए हैं, जो प्रश्न है आपके सामने रखता हूँ कि लोग अक्सर ही पूछते हैं कि ये नई भोजन प्रथा क्या है, व्हाट इज द एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम है वो क्या है, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज इस समय प्रातः जो चलाई जाती है प्रथाएं भोजन के लिए खास करके, तो इस डाइट प्लान में और नई भोजन प्रथा में डिफरेंस क्या है, अलग तरीके से कैसे दूसरी चीजों से अलग बनती हैं। तो नई भोजन प्रथा को हम एनडीएस के नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है। उनका फुल फॉर्म न्यू डाइट सिस्टम है और गुजराती में नवी भोजन प्रथा भी कहते हैं। एनबीपी के नाम से भी ये सिस्टम जानी जाती है। खास करके नाम नई भोजन प्रथा है, लेकिन उसमें नया कुछ भी नहीं है, है सब कुछ पुराना। और आज जो हम खा रहे हैं, आज का जो हमारा भोजन है, जो हम पकाकर फायर का यूज करके खा रहे हैं, वो असल में नई भोजन प्रथा कहा जाएगा। और ये तो पुरानी भोजन प्रथा है, लेकिन आपके सामने ये फिर से पुरानी चीजें फिर नए रूप रंग से रखी गई हैं, इसलिए इनको नई भोजन प्रथा कहते हैं। तो ये पुराने जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनसे ही ये ली गई हैं। तो उनका हम रेफरेंस देते हुए आपको कहेंगे कि भगवान जी कृष्ण जब अर्जुन को ये गीता ज्ञान देते थे, तब उनको कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो सब पुरातन योग, पहले मैंने सूर्य को कहा था, सूर्य के बाद सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था, और समय के साथ साथ वह योग भी नष्ट होता गया और अति प्राचीन होने के बाद भी तेरे लिए यह नया है। तो ये पूरा जो सिस्टम में योग की जो बातें बताई गई हैं, उनमें से हम एक श्लोक अक्सर ही सुना करते हैं गीता जी का। वो श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये सब गीता में रखे गए हैं। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से हम खा पी सकते हैं, और सात्विक जन, राजसिक जन और तामसी प्रकृति के जो भी मनुष्य हैं उनका क्या क्या भोजन है, और हमें उससे आगे बढ़ने के लिए तमस से रज में और रजो में से सात्विक गुण में जाने के लिए कौन से भोजन करने हैं, वो अलग अलग अध्यायों में कुछ न कुछ बातें बताई गई है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा गया है कि सात्विक जनों को रसयुक्त तो भोजन पसंद है। तो पत्र पत्ते, हरी सब्जियों के पत्ते हो तो ये भी खा सकते हैं, फल फूल और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और बाद में पानी, तोयम मतलब पानी, तो ये भी पी सकते हैं। तो ये सब समाविष्ट नई भोजन प्रथा में होता है। आगे देखते हैं कि देखा जाए तो नई भोजन प्रथा अति पुरानी है, किंतु कालांतर के कारण वो नष्ट और विकृत हो गई है। अतः वर्तमान समय में हमारे लिए ये नई भोजन प्रथा को हम नहीं बोल सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य देह की रचना शाकाहारी के हिसाब से बनाई है। सही भोजन शाकाहारी होना चाहिए, यह तो हकीकत है। लेकिन आजकल के मनुष्य, आप जो समाज में, देश दुनिया में देखते हैं, वह अपना भोजन किस प्रकार से लेते हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, रोगिष्ट हो रहे हैं, और साथ में अनाज और दालें भी खा रहे हैं जो कि हमारा भोजन नहीं है। चिड़िया चिड़ैये ये सब जो हैं वो ये अनाज के दाने खाते हैं।
और उनको ये पाचन भी हो जाता है, सुपाच्य, उनका वेस्ट जो निकलता है, स्टूल निकलता है पक्षियों का, उनको हम एनालाइज करेंगे तो उसमें दानों का कोई पोर्शन नहीं आएगा वेस्ट में, क्योंकि सब डाइजेस्ट हो जाता है। और आप देखेंगे कि पशुओं को जब हम दाना खिलाते हैं तो फिर क्या होता है, उनके स्टूल में दाने निकलते हैं अधपके वो भी, और वो पाचन उनका नहीं होता। दो बार वो जुगाली भी करते हैं, बाहर निकालते हैं भोजन को, फिर चबाते हैं, फिर डालते हैं, तो दो तीन बार इस भोजन को चबाते हुए भी उनको ये पाचन नहीं हो रहा है। मतलब जिनको जो जो भी भोजन दिया गया है, उस भोजन जो हम अगर लेना शुरू करेंगे तो ही हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा होगा। जो कि पशु जो है वो दाने नहीं खाते, लेकिन हम उनको खिलाते हैं, इसलिए वो बीमार भी पड़ते हैं। और हमारा भोजन भी दाने नहीं है, तो हम दानों को पीस कर खाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाता, आंतों में चिपक जाता है। तो नई भोजन प्रथा में जनरली ये सब एवॉइड करने को कहा जाता है। हाँ, अगर हम उनके एडिक्ट हैं काफी सालों से, तो 20% 30% मैक्सिमम रात को एक टाइम बहुत चबा चबा कर खाने की सलाह देते हैं। अगर ना खाया जाए तो सबसे बेहतर है। और हमारा ये पके हुए भोजन का खाना, अनाज और दालों का खाना, ये सब एडिक्शन हमें नई भोजन प्रथा में छोड़ने को कहा जाता है। और हम ये पुरानी भोजन प्रथा में ये सब हम एलाउ समझते हैं, और साथ में उनमें से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इसी गलत मान्यताओं के साथ भी जी रहे हैं। तो शाकाहारी को जो भोजन है उनका फल पत्ते सब्जियां, ये सब ही भोजन में लेना चाहिए। वनस्पति ही मानव जात का आह्वान है, आहार है, इसलिए अपना आहार शाकाहारी ही होना चाहिए। दूध जो वनस्पति जन्य नहीं है, हमारे भोजन में पुरानी जो भोजन प्रथा आज ले रहे हैं, जो फायर से बनाई हुई, उसके साथ साथ ये प्राणी जन्य दूध हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी वनस्पति जन्य नहीं है, तो उनको भी नॉन वेज की श्रेणी में समाविष्ट किया जा सकता है। और दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो अक्सर ही हम बार बार कहते रहते हैं कि इट्स अ रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, रोग की गंगोत्री कहा जाता है, तो उनको भी नई भोजन प्रथा में हम यूज करने के लिए सख्त मना करते हैं। दूसरी पथी थेरापियों में दूध लेना एक आवश्यक चीज मानी जाती है, तो दूध हम पी सकते हैं, वनस्पति से बनाया हुआ जो है, फल से बनाया हुआ है, तो ऐसे दूध हम यूज करते हैं, जैसे कोकोनट का मिल्क भी बनता है, ऐसे किसी प्रकार 8-10 प्रकार के दूध हम जो बनाते हैं बादाम से या पीनट्स से, तो ऐसे कुछ हम इस्तेमाल करेंगे। सूर्य की गर्मी में पकी हुई वनस्पति फल एवं मौसमी फलाहार ही मुख्यतः खाने में लेने चाहिए। उसे चूल्हे पर चढ़ाकर रस कस तत्व सत्व और जल कर फिर वो नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा आहार कभी ना खाएं। जो हमारा आहार है लेकिन वो सूर्य की गर्मी से ऑलरेडी पक कर आता है, फिर हम घर में आकर फिर पका कर खाते हैं, तो सब उनमें से जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, हमारे शरीर को अच्छी तरह से पोषण मिलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हम जो भी भोजन लेते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उनसे हमारा मन भी बनता है, तो हम पकाया हुआ भोजन उबाल कर शेक कर भून कर जो भी ले रहे हैं, तो उनसे मल ज़्यादा से ज़्यादा बनता है और हमारा माइंड भी दिन ब दिन डेड होता जाता है। हमारे अंदर नेगेटिविटी अपने आप ही आती जाती है। और सत्संग करने से, हरि स्मरण करने से, मालाएं जपने से, तीर्थ स्थानों पर जाने से भी ये कुछ हम बदलाव अपने आप का नहीं कर सकते। सेल्फ चेंज करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। और कहते हैं कि स्वयं को बदलने से दुनिया बदलती है। हम बाहर की परिस्थितियों को परिवर्तन करने में लगे हुए रहते हैं जिंदगी भर, और हम कुछ भी ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्वयं का वास्तु बिगड़ा हुआ है। और वह वास्तु किससे बिगड़ता है, जो हम इनपुट करते हैं वो रोंग करते हैं, गलत करते हैं, और साथ में
पका कर खाते हैं तो बात खत्म हो जाती है। जैसा सात्विक अन्न है, लाइव फूड है, तो हमारा मन भी लाइव बनता है, हमारे शरीर में भी लचीलापन आता है और हम लाइट रहते हैं, जीवन पर्यंत लाइट रहते हैं। तो खास करके ऐसे भोजन लेना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ जो सन लाइट है उसमें ही पकाया हुआ हो, और सब्जियों को भी उसी स्वरूप में मधुर और रसीले रूप में ले, प्राकृतिक रूप में ही खाएं। हम मनुष्यों का सच्चा आहार मात्र वनस्पति कुदरती स्वरूप में ही खाने के लिए लेना चाहिए। मनुष्य के अलावा शाकाहारी प्राणी प्राकृतिक वनस्पति यानी हरी पत्तियां फल फूल उसी रूप में खाते हैं। नदी नाले और गड्ढों का गंदा पानी, फिल्टर किया हुआ पानी वो पीते हैं, तो बिना साफ सफाई किया हुआ खाते हैं। तो ऐसे जो हम अपने लिए जो पानी यूज करते हैं, खास करके फिल्टर हो, अच्छी तरह से साफ किया हुआ हो, अच्छी तरह से उसमें हम उबाल कर भी कोई कोई लोग पीते हैं, जिनके कारण उनके जो बैक्टीरिया हैं जो नुकसान करते हैं वो मर जाएं। ऐसे ख्यालात में हम पानी के बारे में भी कॉन्शियस है। पानी पथियों में भी काफ़ी सारी बातें बताई जाती है, डेढ़ डेढ़ दो दो लीटर पानी सुबह उठकर लोग पी जाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इतनी बातें, आजकल तो बाजारों में 3-4 लाख से लेकर 10 लाख की कीमत के मशीन्स आते हैं जो पानी को फिल्टर करते हैं, वो पीकर भी हम स्वस्थ कभी कभी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा खान पान गलत है। आप पशुओं में देखेंगे, पक्षियों में देखेंगे, गंदा पानी, गटरों का पानी, बाहर कुछ गड्ढे में पड़ा हुआ पानी भी वो पी लेते हैं, फिर भी आजीवन स्वस्थ रहते हैं क्योंकि उनका जो खान पान है तो वो अपनी दायरे में ही रहते हैं। तो ऐसे नई भोजन प्रथा में काफी सारी बातें हैं, हम आगे की बातें फिर अगले वीडियो में करेंगे। और लास्ट में वीडियो खत्म करते करते एक बात अवश्य बताना चाहेंगे कि आजकल हम भगवान को जो भोग लगाते हैं उस भोग में भी और पानी में भी हम जाप करके भगवान की याद करके वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आज सारी संस्थाओं में आप देखेंगे कि ये भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन, भगवान की याद में बनाया हुआ जो पानी है, एनर्जी वाला पानी, ये सब हम करते हैं, वो खा पी कर भी हमारे रोग नहीं जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ये भोग खा कर भी हम क्यों बीमार हैं। हमारे अंदर इतनी बीमारियां हैं जो भगवान का भोग नहीं खा रहे हैं, प्रसाद नहीं खा रहे हैं, वो कम बीमार हैं। तो नई भोजन प्रथा हमें सब विषयों में सोचने के लिए अवश्य ही मजबूर करेगी, और मेरा प्रयास हमेशा के लिए रहेगा और सभी स्वस्थ बने, तंदुरुस्त बने, निरोगी रहे, सदा काल के लिए निरोगी रहे, यही हमारा प्रयास है, अंत तक यही रहेगा। ऐसी आप सभी के प्रति परमात्मा के पास प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये जो नई भजन प्रथा की अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो समझ है, वो पूर्ण रीति से आपके दिमाग में बैठ जाए, उस प्रकार से अपना जीवन बनाते जाएं, अपना भोजन चेंज करें। ऐसे प्रयत्न के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।